हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे लेनोवो आइडियापैड S145 और ASUS वीवोबुक 15 के बीच में। कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। काफ़ी अच्छा कंपैरिजन होगा जिसके हेल्प से आप यहाँ पर एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा लैपटॉप कौन से प्राइस टैग में लेना चाहिए और आपको कौन से स्पेसिफिकेशंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। बट उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे हमारे जो भी न्यू वीडियोस है वो सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे दोनों ही लैपटॉप्स यहाँ पर हमारे सामने। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये हमारा लेनोवो का आइडियापैड S145, जिसके रिलेटेड आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल पे। और ये जो राइट हैंड साइड पे, ये हमारा लेटेस्ट ASUS वीवोबुक 15। तो यहाँ पर हम इन दोनों के ही कंपैरिजन करने वाले हैं, इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस के बीच में, इनके परफॉर्मेंस के बीच में। और साथ ही में इसका जो रिव्यू है वो जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो ज़रूर से मिस आउट मत करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इन दोनों के डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस करें, तो मेरे लिए डिज़ाइन वाइज ASUS, अगर मुझे कोई एक पिक करना हो तो डेफिनेटली मैं ASUS को पिक करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसके बेजल जो अगर आप सामने देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा थिन है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमाल का लगता है। और मुझे लगता है ये काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगता है इन कंपैरिजन विद लेनोवो आइडियापैड S145। ये थोड़ा मुझे ओल्ड डिज़ाइन लगता है, हालांकि जो ये S145 ये एक साल पुराना लैपटॉप है और जो ASUS है वो गाइस अभी का नया लेटेस्ट लैपटॉप है। तो अगर आपको 2020 में कोई लैपटॉप परचेस करना हो तो मुझे लगता है डिज़ाइन वाइज ASUS काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगली बात करें यहाँ पर हम इसके डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में नो कॉम्प्रोमाइजेशंस, दोनों में ही आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाता है 1080p रिजोल्यूशन के साथ। दोनों ही 15.6 इंचेस की काफ़ी बढ़िया डिस्प्लेज है। मुझे व्यूइंग एंगल्स में थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत आई दोनों ही डिवाइसेस में, बट ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस थी। बट फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी डिज़ाइन के साथ मुझे ASUS में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी। यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आता है। बट वही अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, दोनों भी हेड टू हेड कॉम्पिटिशन के साथ यहाँ पर जीत जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी बात करते हैं हम इसके कीबोर्ड और ट्रैकपैड के बारे में। तो दोनों ही मुझे ट्रैकपैड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। अगर हम यहाँ पर एडवांटेज की बात करें तो जो ASUS है यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तो यहाँ पर जो लॉक प्रेफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योर होती है। वही हमें लेनोवो में सिर्फ हमें जो वो टाइपिंग पासवर्ड मिल जाता है, तो यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं लगी। बट ठीक है गाइस, सिक्योरिटी के मामले में दोनों भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर यहाँ पर हम कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप्स हैं, ASUS स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा बेटर है। सो गाइस, यहाँ पर हमें एक स्लाइटली एडवांटेज मिल जाता है ASUS वीवोबुक में। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो है वो बैकलाइट कीबोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नाइट में यूज़ करते हो अगर आप लैपटॉप को, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो ASUS है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और वही अगर हम दूसरी साइड पे लेनोवो की बात करें तो यहाँ पर हमें कोई बैकलाइट कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत की बात आ सकती है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर गेस्चर्स की बात करें तो दोनों के ही ट्रैक पैड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। हालांकि मैंने इसका 1 ईयर का रिव्यू भी पोस्ट किया है लेनोवो आइडियापैड S145, तो उसका आप यहाँ पर जो है वो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा। अभी अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर लेनोवो आइडियापैड S145 में हमें मिलता है इंटेल का i3 8th generation का चिपसेट, और यहाँ पर हमें ASUS में देखने को मिलता है i3 10th generation। तो ये जो है वो गाइस अपडेटेड वर्जन है ASUS में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ASUS में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन है। ग्राफिक्स में भी थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है, यहाँ पर आपको UHD ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको HD ग्राफिक्स है। तो अगर आपको कोई एडिटिंग वर्क या तो अगर आपको इसमें गेमिंग भी करनी हो, तो मुझे लगता है ASUS काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। और लेनोवो में आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि आपको इसमें लैगिंग इश्यूज मिल सकते हैं। हालांकि मैं इसमें एडिटिंग भी करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके देखे, बट फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस मिली। बट अगर मैं ASUS की बात करूँ तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर ASUS की तरफ से आया है। तो अगर आपको बजट में यहाँ पर कोई टाइट होता है
दोनों ही लैपटॉप्स में। तो मुझे लगता है अगर आपका बजट 35,000 के अंडर है तो आप आईपैड S145 के साथ जा सकते हो, और अगर आपका बजट 40,000 तक है तो मुझे लगता है Asus VivoBook काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया चॉइस हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो S145 है वो आपको अराउंड 32,000 से लेकर 33,000 तक आराम से मिल जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आते रहते हैं आइडियापैड S145 पे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोनों ही लैपटॉप्स की, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। हालांकि मैंने Asus VivoBook को 39,000 में परचेस किया है मेरे फ्रेंड के लिए, तो यहाँ पर ये जो लैपटॉप है वो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला जो कि ICICI के बैंक पे, और डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ प्रोडक्ट लगता है इसी प्राइस टैग में। आगे बात करते हैं गेमिंग और एडिटिंग की, तो मैंने पहले ही इसमें इंक्लूड किया था प्रोसेसिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे बैलेंस Asus VivoBook में लगता है, और यहाँ पर मुझे बैलेंस है बट इतना भी ज़्यादा मैं ओवर नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर मुझे थोड़ी पावर Asus में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर हम इसके बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप्स 2 सेल की बैटरी यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं, बट अगर यहाँ पर हम चार्जिंग की बात करें तो जो Asus VivoBook है यहाँ पर आपको 65 वॉट का चार्जर मिलता है, और सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं मिस्टेक किया, तो यहाँ पर हमें आइडियापैड S145 में 65 वॉट का चार्जर मिलता है, और वही Asus में हमें जो है वो 52 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों में ही आपको लगभग 4 से 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा, और अगर आप इसमें गेमिंग या तो एडिटिंग करते हो तो मुझे लगता है आइडियापैड S145 में जल्दी बैटरी जो है वो डाउन हो जाती है, थोड़ी बहुत फास्ट यहाँ पर जो है वो ड्रेनेज करती है बैटरी, और वही अगर हम यहाँ पर Asus VivoBook की बात करें तो वो थोड़ी मुझे यहाँ पर स्लाइटली बेटर लगी, बट मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थे। रैम और स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में 4GB की रैम मिल जाती है, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है इनकी स्टोरेज में, क्योंकि यहाँ पर हमें हार्ड ड्राइव मिल जाती है S145 में, और वही Asus में हमें मिलती है 512GB की SSD स्टोरेज, जो मुझे लगती है कि एक बेसिक यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरेज है 512GB, और वो भी अगर SSD होगी तो जो परफॉर्मेंस होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा लेवल का मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा यहाँ पर परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं आने वाली है। तो SSD स्टोरेज होने के कारण आपको जो रीड एंड राइट स्पीड होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर फिर भी आपको कोई यहाँ पर डाउट्स होगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिए गाइस, काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो सपोर्ट मिलता है आपकी वजह से। तो यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम इसके फाइनली पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम S145 की बात करें तो इसमें हमें 2 USB 2.0 का सपोर्ट है, एक USB 3.0 का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, साथ ही में एक HDMI पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है, एक SD कार्ड पोर्ट है, और आपको इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी बेसिक पोर्ट्स है जो आपको यहाँ पर डेली यूसेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपके लिए जो बेसिक पोर्ट्स की अगर बात करें तो S145 काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर जो आपके नीड्स जो है वो फुलफ़िल करता है। वही अगर हम अदर हैंड Asus VivoBook 15 की बात करें तो यहाँ पर आपको एक USB 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.1 जनरेशन का पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, साथ ही में इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, एक 3.5mm का हेडफोन जैक है, और साथ ही में इसका मुझे एक बेस्ट पार्ट लगा वो है आपको इसमें टाइप सी सपोर्ट मिल जाता है। तो टाइप सी काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर जो वो नीड में आता है लेटेस्ट, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फीचर दिया है Asus ने कि यहाँ पर आपको टाइप सी प्रोवाइड करके, तो स्लाइटली यहाँ पर पोर्ट्स के मामले में भी Asus यहाँ पर मुझे विनर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे एडवांस पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बट अगर बेसिक यूसेज की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पर आपको दोनों ही लैपटॉप्स अच्छे खासे पोर्ट्स यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अगर हम एट दी एंड दोनों के बारे में समराइज करें तो मुझे लगता है 35,000 के अंडर S145 एक डिसेंट पैकेज है। हालांकि गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो S145 है इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनबिल्ट आ जाता है बेस प्राइस में, बट Asus में आपको जो है वो अलग से परचेस करना पड़ेगा, या तो आप इसमें कोई भी हैक वर्जन ले सकते हो, वो तो अभी आपके ऊपर है। बट अगर हम गाइज यहाँ पर कंसिडर करें तो मुझे S145 स्लाइटली बेटर लगा, इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम है और इसमें हमें MS ऑफिस भी मिल रहा है, तो अगर आपको ऑफिस यूज़ या तो अगर आपको स्टूडेंट यूज़ के लिए चाहिए स्टूडेंट पर्पस के लिए
तो मुझे लगता है S145 काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए बजट प्राइस टैग में। हालांकि ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, बट अभी भी ये गाइज लेटेस्ट प्रोसेसर ही है, क्योंकि i3 8th जनरेशन इतना भी पुराना नहीं हुआ है, 10th जनरेशन न्यू है। अगर आपको परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स में कुछ अपग्रेडेशन चाहिए तो आप ASUS के लिए जा सकते हो, या तो आप इसमें अलग से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हो। तो मुझे लगता है 35,000 के अंडर S145 एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, और 40,000 के अंडर मुझे ASUS VIVOBOOK काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो अभी अगर हम लास्ट में इन दोनों लैपटॉप्स को अगर कंक्लूड करें तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस निकल के आते हैं, बट एट दी एंड जो विनर है वो ASUS VIVOBOOK 15 है। बट उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वेरी करती है, जो कि 4,000 to 5,000 का डिफरेंस है दोनों ही लैपटॉप्स में। तो अभी गाइस आपके ऊपर है, आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।